पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई पर झारखंड के राजनीतिक दलों का भी रिएक्शन सामने आया है। बीजेपी ने इस फैसले को सही ठहराया और कहा कि कानून अपना काम करेगा, फिलहाल इस मामले में कुछ भी बोलना जायज नहीं होगा। इधर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस कभी भी सांप्रदायिक ताकतों के साथ नहीं रही है, ऐसे संगठन जो समाज को तोड़ने की कोशिश करें उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा केंद्र सरकार ने अगर पीएफआई को बैन करने का आदेश दिया है तो ये स्वागत योग्य है, लेकिन इस फैसले पर सवाल उठाते हुए भी कहा कि केंद्र सरकार की नियत पर विश्वास नहीं होता, ये पाकिस्तान परस्त लोगों के साथ सत्ता में काबिज रहते हैं। पुलवामा में इतनी बड़ी घटनाएं घटती है लेकिन आज तक कोई भी दोषी सामने नहीं आ पाया। बेरोजगारी और महंगाई अहम मुद्दा है, कहीं इससे भटकाने के लिए तो ये कोशिश नहीं। कानूनी कार्रवाई हो रही है, कानून अपना काम करेगा और कानून को अपना काम करने देना चाहिए। इसमें हम लोग को प्रतिक्रिया अभी इतना ही देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि कानून कार्रवाई कर रहा है, कानून अपना काम करेगा। तो आज के दिन इतना ही मैं कहूँगा। हमेशा से सांप्रदायिकता के खिलाफ रही है, हम समाज में नफरत फैलाने वाले लोगों का कभी साथ नहीं दे सकते। केंद्र सरकार ने अगर पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया है तो यह बिल्कुल अच्छी पहल है, क्योंकि जो संगठन समाज में नफरत फैलाए, समाज के ताने बाने को भंग करने का प्रयास करे, सामाजिक समरसता को धूमिल करने का प्रयास करे, सांप्रदायिकता का रंग इस समाज में घोलने का प्रयास करे, वैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगना भी चाहिए। यहाँ तो पहले से बैन है और अभी भी बैन है, झारखंड में मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो कदम उठाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, तो केंद्र सरकार से आज ठीक है, अगर वो विघटनकारी शक्तियाँ हैं, देशद्रोही शक्तियाँ हैं, तो उस पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी संगठन हो, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के। लेकिन इन लोगों की मंशा समझ में नहीं आती है, विघटनकारी शक्तियों के साथ मिलकर सरकार बनाना, देशद्रोही ताकतों के साथ मिलकर सरकार बनाना, पाकिस्तान परस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद जो कश्मीर में, उनके साथ इनका क्या संबंध था, पुलवामा में इतनी बड़ी घटना हो गई, आज तक कोई दोषी पकड़ा नहीं गया, पाकिस्तान की जांच एजेंसी आईएसआई को भारत में बुलाना, तो ये सब हम देखते हैं, उससे इनका चरित्र पता चलता है। लेकिन मुझे लगता है ठीक है, कार्रवाई करिए, सारी देश की हर पॉलिटिकल पार्टी और तमाम लोग आपके साथ हैं, जो देश की विघटनकारी शक्तियाँ हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर।